आप मेरे चैनल एजुकेशन फ्री को देख रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये पढ़ा था टॉपिक। अभी इसमें हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक में। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ भी पूछना है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इन ह्यूमन बीइंग्स इन अर्ली टीनेज इयर्स अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर्स दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी एनलार्जमेंट। अब जब एक ग्रोथ होती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो हम लोग कहते हैं बॉडी का साइज बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, इस टाइप का बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, जो अर्ली टीनेज इयर्स होते हैं, टीनेज इयर्स कौन से होते हैं, 13, 14, 15, ये इनको टीनेज इयर्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो अर्ली टीनेज इयर्स होते हैं 13, 14, 15 में, एक नया तरह का चेंज आता है, जो कि हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी के एनलार्जमेंट होगी, बॉडी बड़ा हो गया, साइज बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, बच्चे की हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं बोलते। इसमें कुछ अलग तरह के चेंजेस आते हैं, नए तरह के। इन ह्यूमंस द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस एंड न्यू फीचर्स अपीयर एंड सो डू न्यू सेंसेशन। तो क्या है ह्यूमंस में, क्या है बॉडी का अपीयरेंस, बॉडी जो दिखने में कैसा है वो बदल जाएगा, उसका प्रोपोर्शन चेंज होता है, हाइट वेट का प्रोपोर्शन अलग तरीके का होएगा, न्यू फीचर्स, अलग तरह के फीचर्स डेवलप होते हैं और नई तरह की सेंसेशंस भी डेवलप होती हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ ये जो चेंजेस हैं, जो ये चेंज है वो बॉयज में भी होते हैं और सेम टू सेम गर्ल्स में भी होते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, बॉयज गर्ल्स में दोनों में चेंज होते हैं। इन चेंजेस को हम जैसे कह सकते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे हेयर ग्रोइंग इन आर्मपिट, जो आर्मपिट है उसमें बाल बनते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये चेंजेस जो है ये दोनों में होंगे, बॉयज में भी होंगे और गर्ल्स में भी होंगे। There are also changes taking place that are different between boys and girls. अब कुछ ऐसे changes होते हैं जो boys में अलग तरह से हो रहे हैं और girls में कुछ अलग तरह के change हो रहे हैं। For example, boys begin to have new thick hair growth on the face. अभी क्या है boys के, क्या है मुंह पे, face के ऊपर ज्यादा thick बाल आते हैं face पे, जैसे उनकी मूछ आ जाती है, ये सब ना, तो ये है बॉयज में नजर आता है ये चेंज। एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, अब गर्ल्स में क्या है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो सारे चेंजेस है ना, जितने भी बदलाव आ रहे हैं, बॉयज में अलग से आ रहे हैं, गर्ल्स में अलग तरीके से आ रहे हैं, तो ये क्या बताता है कि बॉडी जो है सेक्सुअली मैच्योर हो रही है, उसके बारे में बताता है। The state of general body growth begins to slow down. अब क्या है? इस टाइम पे क्या है? जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस हो रही है, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसकी हाइट बढ़ रही है, काफी बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? जब ये टीनेज, अर्ली टीनेज इयर्स आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या है? ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर। अब यहाँ पे क्या होता है, अब बॉडी, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए हर काम करने के लिए, ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो सारी एनर्जी अगर हम वैसे ग्रोथ में यूज कर लेंगे तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा ग्रोथ की को स्लो डाउन कर दिया जाता है, ताकि रिप्रोडक्शन के टिश्यूज जो है वो मैच्योर हो सके। This period during adolescence is called puberty. अब जो ये period है, जो ये time है, time frame है, जहाँ पे adolescence के time पे ये जो time जो चीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं puberty. अब सबसे पहले हम लोग male reproductive system को एक बार देख लेते हैं, आप आराम से ध्यान से इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, मेल का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें पेनिस है, टेस्टिस है, स्कॉटम है। स्कॉटम क्या है, जो जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और यूरेथ्रा ट्यूब है, वास डिफरेंस है, प्यूबिक बोन है, ब्लैडर है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, एपिक्लोस्टिक फ्लूइड है,
प्रोस्टेट है, रेक्टम है, एपिडाइमिस है, ये सारा का सारा एकदम ध्यान से आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आगे मैं पढ़ाऊंगी तो आपको नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा पार्ट था, कैसे प्रोसेस हो रहा है, तो वो सब आप ये ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए। चलिए आपने देख लिया इसे, अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तब फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस। अब जो जर्म सेल्स हैं, यानी कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं, और वो कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं टेस्टिस के अंदर। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब ये कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पोर्शन है स्क्रॉटम, उसमें बनते हैं, ठीक है। और उसमें क्यों स्पर्म फॉर्मेशन क्यों वहां बनते हैं, स्क्रॉटम में क्यों बनते हैं, वो क्यों बॉडी से बाहर रहता है वो पोर्शन, बिकॉज जो ये स्पर्म फॉर्मेशन को जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से लोअर थोड़ा नीचे का तापमान चाहिए होता है। Testosterone hormone regulated the formation of sperms and changes in boy's appearance at the time of puberty. अब एक male hormone होता है, उसको बोलते हैं testosterone. वो testosterone दो type के काम करता है. एक तो क्या है, sperms को बनाता है, और दूसरा क्या है, जो ये boy के जो हमने बताया था ना, लड़के में वो मूछ मोस्टैक्स वगैरह बनना, ये सब जो होता है, जो boy के appearance में changes आते हैं puberty के time में, ये सब भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही आते हैं। स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास्ट डिफरेंस व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अब जो है स्पर्म्स तो वहां बन गए हैं आपके, ठीक है, टेस्टिस में बन गए हैं। अब वो क्या है, वो वास्ट डिफरेंस, एक वास्ट डिफरेंस मैंने आपको पिक्चर में पीछे दिखाया था, वहां से यूनाइट होते हैं ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब आती है, उसके साथ और वास डिफरेंस आपस में यूनाइट होते हैं, वहां पे स्पर्म्स डिलीवर हो जाते हैं। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन्स। अब क्या है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा एक मैंने आपको दिखाया था फिगर में पीछे, तो वहां से क्या है, दोनों ही यूरिन भी और स्पर्म्स भी, दोनों के लिए वही एक पैसेज है, वहीं से दोनों चीजें निकलेंगी। अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक द प्रोस्टेट एंड द सेमिनल वेसिकल्स ऐड देयर सिक्रीशंस। अब देखो वास्ट डिफरेंसेस टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस से वो नीचे को आ रहे हैं, तो ग्लैंड्स जो बीच में ग्लैंड्स आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है और सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, वो दोनों के दोनों अपनी अपनी सिक्रीशन, अपनी अपनी सिक्रीशंस इसको देते हैं बीच में इसके प्रोसेस में। Due to this secretion, sperms are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides a nutrition. अब ये क्यों अपनी secretions दे रहे हैं, prostate gland क्यों दे रहा है, seminal vesicle क्यों दे रहा है, इन secretions की वजह से क्या है, sperm जो है अब एक fluid में है और इससे क्या है, transport आराम से उसकी transport यानी आराम से वो movement कर सकता है। और इसका एक और काम होता है, इसी secretions की वजह से sperm को जो nutrition चाहिए होता है वो मिलता है। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps them to move towards the female germ cells. अब जो sperms होते हैं वो क्या है, tiny bodies है, छोटे छोटे हैं, बिल्कुल बहुत ही minute होते हैं, और उसमें क्या है, main क्या चीज है उसके अंदर, उसके अंदर genetic material है, DNA है हमारा, ठीक है, और एक long tail होती है, उसके पास एक लंबी सी पूंछ होती है जिससे क्या है वो आराम से मूव कर सकता है फीमेल जर्म सेल्स की तरफ, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल की तरफ उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। तो हमने अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आराम से देखा, अभी हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास ये हमारे दो ओवरीज होती हैं और दो ओविडक्ट्स होते हैं, ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब होती है, ओवरी से अटैच होती है और ये दूसरे एंड, एक एंड में तो इसके साथ ओवरी अटैच होती है, दूसरे एंड में क्या अटैच होता है आपका यूट्रस, ठीक है। अभी ध्यान से इसको देखिए, पिक्चर को देखिए एकदम आराम से, ओवरी ओवरियन लिगामेंट है,
यूट्रस है, यूट्रेन, फंडस है, एम्ब्रियो कहाँ पे डेवलप होता है वहां पे वो साइट दिखाई है आपको, यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, एंडोमेट्रियम, इसकी ना लेयर्स होती हैं जैसे एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसकी वो लेयर्स बताइए, मायोमेट्रियम, तीन लेयर्स होती हैं टोटल इन ऑल, ठीक है। नीचे आपका सर्विक्स होता है, सर्विकल कैनाल होता है, और लास्ट में है आपका वजाइना। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। जो फीमेल के जर्म सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, या एग्स बोलते हैं हम आम उसमें भाषा में, तो वो कहाँ बनते हैं? ओवरीज के अंदर। अ गर्ल इज बॉर्न विद थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स इन द ओवरीज। जो भी एक गर्ल पैदा होती है जब भी, तो उसके अंदर थाउजेंड्स इमैच्योर यानी कि मैच्योर नहीं है, इमैच्योर एग्स हैं वो उसकी ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं। गर्ल जो भी बॉर्न होगा उसके ओवरीज में इमैच्योर थाउजेंड्स नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मैच्योरिंग। अब क्या है, जब प्यूबर्टी आ जाती है, मैंने बोला था टीनेज आ जाती है जब, उस टाइम पे सेक्सुअल मैच्योरेशन और मैच्योरेशन हो रही है, तो उस टाइम पे क्या है, ये कुछ जो एग्स हैं ये मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। हर महीने एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है हर ओवरी से, एक ओवरी से, मतलब दो ओवरीज है ना, तो उसमें से एक ओवरी जो है इस महीने एग प्रोड्यूस करती है, तो दूसरे टाइम पे दूसरे अल्टरनेट बेसिस पे ये दोनों ओवरीज काम करती हैं। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम यूट्रस थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब ये एग तो बना है अपना ओवरी में, तो ओवरी से ये वूम तक जाना है, वूम यानी यूट्रस तक जाना है, तो कैसे जाएगा, एक इसमें बीच में थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है जो ओवरी और यूट्रस के बीच में कनेक्शन है, उस ट्यूब से, फैलोपियन ट्यूब से एग जो है ओवरी से यूट्रस तक पहुंचता है। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस। अब दोनों साइड की ओवरी से एक एक ओविडक्ट निकला है, तो दोनों ओविडक्ट्स यूनाइट करके इकट्ठा होके कहाँ मिल रहे हैं, एक इलास्टिक बैग, एक बैग है जो इलास्टिक टाइप का, जिसमें इलास्टिसिटी है, वो जैसे होता है ना हमारा ये रबर बैंड होता है, ये इलास्टिक होता है, इस टाइप की इलास्टिसिटी है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं यूट्रस। द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स। अब जो यूट्रस है इसकी ओपनिंग होती है, ओपन होता है वजाइना में, ओपन होता है, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। तो मेरे चैनल एजुकेशन फॉर फ्री को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कुछ अगर समझ नहीं आया बताइए, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ आपको और पूछना है मेरे से, तो वो भी आप कमेंट में पूछिए, और आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है वो भी मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का टाइम पे पता चल जाए। चलिए आगे चलते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब जो स्पर्म्स जो है वो वजाइनल पैसेज, वजाइना वाले पैसेज, उसमें कैसे पहुंचते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। जब ये क्या है, ये जो स्पर्म्स है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, मोटाइल होते हैं मैंने बताया था आपको, तो ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं और ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे क्या है, उनको फैलोपियन ट्यूब में एग मिल जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। अब जब अगर उनको एग मिल जाता है स्पर्म को, तो वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग और स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं यानी जायगोट बन जाता है, तो जायगोट जब बन जाता है तो फटाफट डिवीजन करता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाते हैं, एक सेल की ना जैसे बॉल बन जाती है, तो उस बॉल को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम द फीटस। जो एम्ब्रियो है ये एम्ब्रियो कहाँ मूव करके ये प्लांट हो जाता है यानी इम्प्लांट हो जाता है यानी कहाँ पे पहुंच जाता है, ये यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट यानी बैठ जाता है, वहां ठहर जाता है,
और वहां पे उसकी ग्रोथ होती रहती है, ग्रोथ करता रहता है और कई तरह के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे हार्ट ये सब, किडनी वगैरह सब बनने शुरू हो जाते हैं। और ये सब जो बनना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा सब बनने के बाद क्या इसको हम बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। अब इसको एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे क्योंकि ग्रोथ वगैरह सब कुछ हो चुका है, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फीटस। एक्चुअली एवरी मंथ यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब क्या है, यूट्रस हर महीने तैयारी करके बैठता है कि उसको शायद स्पर्म मिलेगा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा, उसको नर्चर करेगा। यानी तो इसको यूट्रस इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि अगर ये फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसको नरिशमेंट भी चाहिए होगा एम्ब्रियो को, तो वो तैयारी करके बैठा है। द लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो इसलिए क्या है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, जो उसकी वो है लाइन है, यानी सरफेस है, उसका किनारा है जो, वो मोटा हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है। और वो ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा क्यों की जाती है, ताकि एम्ब्रियो जो ग्रोथ के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए होगा तो उसको आराम से मिल सके। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Embryo जो है उसको अपनी मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, एक स्पेशल टिश्यू की वजह से जिसको हम बोलते हैं placenta. Placenta is a disc which is embedded in the uterine wall. अब जो प्लेसेंटा है डिस्क की तरह है, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे रहता है, यूट्राइन वॉल के अंदर, यूट्राइन की वो जो वॉल होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वहां पे रहता है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। अब जो जहाँ पे एम्ब्रियो है उस साइड पे इसके ऊपर विलाई रहते हैं। विलाई क्या होते हैं, जैसे ना आपने सीलिया फ्लैजिला पढ़े ना, उस टाइप के छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं, वो उस साइड पे प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो साइड पे। On the mother's sides are blood spaces which surround the villi. और जो मदर की साइड होती है वहां पे क्या है, ब्लड की सप्लाई के लिए होते हैं और वो विलाई को आप पूरा कवर अप कर देते हैं, सराउंड कर देते हैं उसको। This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. अब ये विलाई की प्रेजेंस से क्या हो जाता है, हमारे एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया, वो बढ़ जाता है, जिससे आसानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मदर से एम्ब्रियो को मिल सके। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट करता है, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है जो कि रिमूव करना जरूरी है। तो वो क्या है, वो ट्रांसफर हो जाता है मदर्स के ब्लड को, कहां से, प्लेसेंटा के थ्रू। The development of the child inside the mother's body takes approximate 9 months. अब जो ये बच्चे का development होता है mother की body के अंदर, उसको कितना time लगता है, approximately 9 महीने लगते हैं। The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. अब uterus में muscles present होती हैं, ठीक है, जब उसकी contraction होती है, relaxation contraction आपको पता है ना, तो contraction होती है, तो उससे क्या है, बेबी बाहर निकलता है, चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, चाइल्ड बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा इन फिगर से ध्यान से आप देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का मैंने फिगर दिखाया है, इसमें क्या है, स्पर्म्स आ रहे हैं और ओवम है उसके साथ अटैच हो रहे हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। तो उसमें क्या है, दोनों के जो डीएनए मटेरियल्स है, जेनेटिक मटेरियल्स है, वो आपस में, वो न्यूक्लाई में जो प्रेजेंट है, वो दोनों की न्यूक्लाइज फ्यूज हो जाएंगी, आपस में फ्यूजन होगी तो हमारा बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम जाइगोट। अभी जाइगोट है, नेक्स्ट में हमने जाइगोट दिखाया है, फिर जाइगोट के अंदर ही एम्ब्रियो बन रहा है, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, फिर जब उसमें ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे फीटस। When the egg is not fertilized, अभी हमेशा ये जरूरी नहीं है कि हर बार एग को स्पर्म मिले और वो फर्टिलाइजेशन हो जाए, कई बहुत बार होगा कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा वो आगे जानते हैं। If the egg is not fertilized, it lives for about one day. अब एग रिलीज हो चुका है ओवरी से, तो अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो एक दिन तक जिंदा रहेगा।
यूट्रस लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज एग। अब यूट्रस की लाइनिंग तो थिक हो रखी है, स्पॉन्जी भी हो रखी है हर महीने, ताकि वो फर्टिलाइज एग को रिसीव कर सके, ले सके। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब इस लाइनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसके लिए बनी थी, फर्टिलाइज एग के लिए, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड द म्यूकस। तो इसीलिए जो लाइनिंग है ना, ये ब्रेक डाउन कर जाएगी, यानी लाइनिंग टूट जाएगी और ये वजाइना से बाहर निकलेगा, इसमें से जो ब्लड वगैरह है, ब्लड हो गया, म्यूकस हो गया, बाहर निकल जाएगा। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, जो ये साइकिल है ये हर महीने होगी, जब भी फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये हर महीने वो साइकिल होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days और ये ज्यादातर 2 से 8 दिन तक चलेगी साइकिल। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया एंड स्पाइलिसिस एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज वार्ट्स एंड HIV/AIDS। अब क्या है, जो ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इंटरकोर्स वगैरह है, इससे क्या हुआ है, कुछ डिजीज फैलते हैं। इन डिजीजेस को हम बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि गोनोरिया हो सकता है, साइफिलिसिस हो सकता है, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे वार्ट्स हो सकते हैं या HIV/AIDS भी हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी इज डिमांडिंग ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी अफेक्टेड। अब प्रेगनेंसी क्या है, बहुत डिमांडिंग है, एक वुमेन की बॉडी के लिए भी बहुत डिमांडिंग होता है और साथ साथ के उसके माइंड के लिए भी, उसमें मेंटल प्रेशर्स भी होता है, और अगर वो रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ काफी अफेक्ट हो जाती है। Therefore, many ways have been devised to avoid the pregnancy known as the contraceptive method. इसीलिए बहुत से ऐसे तरीके निकाले गए जिससे कि हर बार प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। इन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चलिए देखते कौन कौन से हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पहला आता है बैरियर मेथड्स, एग्जाम्पल कॉन्डोम्स आता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इट चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट फर्टिलाइज्ड टू बी टेकन ओरली। अब ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं, ये बॉडी का हार्मोन का बैलेंस थोड़ा सा बदल देती है, इससे क्या होता है एग फर्टिलाइज नहीं होता है। और इसको कैसे लेते हैं, इसको ओरली यानी कि मुंह से गोली की तरह खाया जाता है। Contraceptive device placed in the uterus to prevent the pregnancy, for example, copper tea. और contraceptive device भी होते हैं जो कि जैसे uterus में हम copper tea डाल देते हैं ताकि pregnancy हो ही ना। एक है और तरीका, surgical method. Vast deference in the male is blocked sperm through will be blocked. It is called vasectomy. अभी क्या है, surgical method भी होता है जिसमें क्या है, male का जो vast deference है ना, इसको ही ब्लॉक कर देते हैं, इसको बांध देते हैं, जिससे क्या है स्पर्म वहां से नहीं निकल सके। इस मेथड को हम बोलते हैं वेस्टोकॉमी। अब फैलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस। अब दूसरा है जो फीमेल में क्या है, फैलोपियन ट्यूब को भी बांध दिया जाता है, ब्लॉक किया कर दिया जाता है, जिससे कि क्या है एग जो है वो ओवरी से यूट्रस तक ना पहुंच सके। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्यूबोकॉटमी। चलिए देखिए बैरियर मेथड्स, कॉन्डम इसे मैंने इसका पिक्चर दिखाया हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कॉपर टी है, टी शेप की होती है इसको इसलिए बोलते हैं, और कॉपर से बनती है इसलिए इसको कॉपर टी नाम दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसे बहुत तरह की आती हैं, सहेली वगैरह, इनके कई तरह के नाम होते हैं, मतलब कई कंपनीज का आता है वो पिल्स होती हैं। और ये हमने वेस्टोकॉमी प्रोसेस दिखाया है जिसमें वास्ट डिफरेंस को हमने अच्छे से टाई कर दिया है और कट कर दिया है थोड़ा सा। और इसमें ट्यूबोकॉटमी में भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स को टाई करके यानी बांध के काट दिया जाता है ताकि ओवरी से एग रिलीज होके यूट्रस तक ना पहुंचे। थैंक यू सो मच, आपको आज मेरा ये एजुकेशन फॉर फ्री चैनल में मैंने आपको ये पढ़ाया चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये कैसा लगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगर आपको इसमें और कुछ जानकारी चाहिए वो भी मुझसे पूछिए। और आपको जैसे ना कुछ मतलब अपने नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो आप इस वीडियो से आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, आपको ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। और बाकी बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट चैनल नेक्स्ट वीडियो का आराम से पता चल जाए। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एजुकेशन फॉर फ्री। थैंक यू सो मच।